हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वातिस फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी केक। इसे मैंने बिना एग के बनाया है और ये देखिए हमारा केक कितना फ्लफी एंड स्पॉन्जी बना है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए हमें 2 कप्स मैदे के चाहिए, 1.5 कप पाउडर शुगर, 1 कप दही, दही हमें बिल्कुल थिक चाहिए, 1/2 कप रिफाइंड ऑयल, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 कप मिल्क, 1/2 कप टूटी फ्रूटी। मैंने यहाँ रेड एंड ग्रीन कलर की टूटी फ्रूटी ली है। स्ट्रॉबेरी एसेंस, आप चाहें तो कोई भी एसेंस का यूज़ कर सकते। सबसे पहले हम OTG को 180 डिग्री सेल्सियस में दोनों रोड ऑन करके 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख देंगे। प्री हीट करना ओवन को बहुत ज़रूरी है। तो चलिए केक बनाना शुरू करते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और उसमें 1 कप कर्ड का डाल देंगे। दही आपका बिल्कुल थिक होना चाहिए। अब हम इसमें अपनी पाउडर शुगर डाल देंगे। यहाँ मैंने 1.5 कप पाउडर शुगर की ली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको इस तरह से एक डायरेक्शन में मिक्स करते जाना है। ये देखिए अब इसमें शुगर मिक्स हो गई है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है कुछ इस तरह से। अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट कर रहा है, अब हम अपनी टूटी फ्रूटी लेंगे और उसमें 1.5 टेबलस्पून मैदे के डालेंगे और फिर इसे अच्छे से कोट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ऐसा करने से बेकिंग करते समय आपकी टूटी फ्रूटी केक में नहीं बैठेगी और ये बर्न नहीं होती है, तो इस स्टेप को आप ज़रूर करिए। ये देखिए अब हमारी टूटी फ्रूटी अच्छे से कोट हो गई है और बैटर को रेस्ट करते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अब हमारा बैटर कितना फ्रॉथी हो गया है और इसमें कितनी झाग बन गई है। जब आपका बैटर ऐसा हो जाए तब हम इसमें 1/2 कप रिफाइंड ऑयल का डाल देंगे। अगर आपके पास रिफाइंड ऑयल ना हो तो आप यहाँ बटर का यूज़ भी कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐसा करने से आपका केक बहुत ही मॉइस्ट आएगा। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस का डाल देंगे। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस ना हो तो आप किसी भी एसेंस का यूज़ कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक सीव लेंगे और उसके ऊपर 1/2 मैदा डाल देंगे। मैदा हमें 2 बैचेस में डालना है और इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। सीव करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसे अच्छे से सीव कर लीजिए और जो लास्ट में पार्टिकल्स बचे उसे आप फेंक दें। फिर हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए आपको इस तरह से बैटर को फोल्ड करना है। ऐसा करने से आपके बैटर पे लम्स नहीं बनेंगे। ये देखिए अब ये एक बैच हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपना सेकंड बैच ऐड करेंगे। हम फिर से सीव लेंगे और इसमें अपना मैदा डाल देंगे और इसे अच्छे से सीव कर लेंगे। फिर हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको इसे फोल्ड करते जाना है। ये देखिए अब हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें अपनी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। और थोड़ा सा दूध भी डाल देंगे क्योंकि हमारा बैटर अभी थोड़ा सा थिक है और साथ में इसे मिक्स कर लेंगे। आपको दूध एक साथ नहीं डालना है, आपको दूध धीरे धीरे से डालना है। ये देखिए अभी भी हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है। इसे आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर देख लीजिए आपका बैटर थिक है या पतला है। अगर आपका बैटर थिक हो तो आप इसमें दूध डाल लीजिए। ये देखिए अभी हमारा बैटर थोड़ा सा थिक है।
अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, हमारा बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए। हमें इसके लिए बहुत थिक बैटर नहीं चाहिए। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे और उसके नीचे बटर पेपर लगा देंगे और साइड में अच्छे से रिफाइंड ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। ऐसा करने से केक आपका केक टिन से स्टिक नहीं होता है। अब हम इसमें अपना केक का बैटर डाल देंगे। ये देखिए, आपका केक का बैटर इतना पतला होना चाहिए जो आसानी से निकल जाए, और इसे आपको हाफ फिल करना है। अब हम इसे अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहे। ये देखिए, कुछ इस तरह से आप इसे टैप कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से आप टूटी फ्रूटी को डाल लीजिए। अगर आप टूटी फ्रूटी के ऊपर कोटिंग नहीं करोगे तो ये बेक होते समय जल जाएगी, तो इसलिए आप इसे अच्छे से कोट कर लीजिए। ये देखिए, अब हमारा केक बेक होने के लिए तैयार है। अब हम इस मोल्ड को प्री हीटेड ओवन में डाल देंगे। इसे आपको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि ओवन हमारा बहुत गर्म होता है, इसलिए इसे आप बहुत ध्यान से डालिए। अब हम ओवन की बेकिंग मोड ऑन करेंगे और इसे 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। ये देखिए, अब 35 मिनट्स हो गए हैं। अब हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है। अब आप इसे आराम से निकाल लीजिए। ये देखिए, हमारा केक कितने अच्छे से बेक हुआ है और ये कितना अच्छा फूला है। अब हम इसमें टूथपिक इंसर्ट करके चेक कर लेंगे कि ये अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। ये देखिए, हमारी टूथपिक साफ बाहर आई है, तो मतलब हमारा केक अच्छे से पक चुका है। अब आप इसे ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसके साइड के कॉर्नर्स को यूँ काट लेंगे ताकि ये केक आराम से निकल जाए। डीमोल्ड करते समय आपको केक को अच्छे से ठंडा कर लेना है। अब हम एक प्लेट लेंगे और अपने मोल्ड को उल्टा कर लेंगे और ऐसे ऊपर से टैप कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी से आपका केक बाहर आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर का बटर पेपर ऐसे निकाल लेंगे। अब हम केक को सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारा केक कितना अच्छा बना है और ये दबाने में कैसे वापस आ रहा है। आपका केक ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। ये देखिए, कितने आसानी से कट रहा है और ये कितना सॉफ्ट बना है, और देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। अगर आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।